जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है नीरज अरो, उप्स एक्साइटमेंट, मेरा नाम है अरिहंत, एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू फॉर द थर्ड एपिसोड ऑफ द इंस्पायर्ड टॉक सीरीज। इस वीडियो में हम ढेर सारी बहुत ज़बरदस्त बातें करने वाले हैं नीरज सर से काफ़ी सारे टॉपिक्स के ऊपर, इसलिए इस वीडियो को मैं दो पार्ट्स में लेकर आऊँगा। इंश्योर कीजिएगा आप दोनों पार्ट्स देखें, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, एंड लाइक और कमेंट करके आप अपना प्यार तो बरसाने वाले हैं ही। आप लोगों का ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, लेट्स गेट रोलिंग। Hello everyone, thank you so much for tuning in into yet another episode of the Inspired Talk series. आज जो गेस्ट मेरे साथ हैं, well वैसे उन्हें तो कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, और अगर मैं इंट्रोड्यूस करना भी चाहूँ तो मुझे नहीं पता मैं उनको कैसे इंट्रोड्यूस करूँ। उनको मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बुलाऊँ, यूट्यूबर बुलाऊँ, टीचर बुलाऊँ, मेंटर बुलाऊँ, एंटरप्रेन्योर बुलाऊँ, या एक फैमिली मैन बुलाऊँ, बट आई थिंक अबव ऑल अ ग्रेट ह्यूमन बींग, मिस्टर नीरज अरोरा। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस फॉर दिस पर्टिकुलर टॉक। क्या बात है जी, क्या बात है, इतना इतनी सारी भारी भरकम चीज़ें आपने पहले ही बोल दी अरियन, मैं दब गया हूँ भाई इनके नीचे। मेरे ख्याल से एक अच्छा इंसान बुलाएं तो सबसे बढ़िया रहेगा, वो एक में सब कुछ कवर कर जाएगा। ग्रेट, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। बिल्कुल बिल्कुल सर, एंड आई थिंक द आइडिया ऑफ हैविंग दिस कॉन्वर्जेशन विथ यू इज, आप बहुत सारे वीडियोज बनाते हैं सी ए स्टूडेंट्स के लिए, एंड इवन फॉर नॉन सी ए स्टूडेंट्स, आप एक एंटरप्रेन्योर हो और साथ ही साथ आप भी बहुत सारे इंटरव्यूज लेते हो, बट द आइडिया इज टू गेट अ पीक इन टू योर माइंड कि आप ये सब करते कैसे हो, एंड आपका जो करियर प्रोग्रेशन रहा है, एंड आपकी थॉट प्रोसेस जो है, एंड हाउ इट कैन हेल्प स्टूडेंट्स। तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा सर आपसे ये है कि हमने आपके बहुत सारे अवतार देखे हैं, अभी भी कुछ बाकी है क्या जो हम नहीं देखे और शायद बहुत ही नियर फ्यूचर में देखें आपसे? कल ही देखेंगे आप, कल ही देखेंगे बिल्कुल। और अवतार क्या है, बस जिस फेज से गुजर रहा हूँ लाइफ की, वो फेज आप लोगों के सामने ले आता हूँ, और जो सीखता हूँ वो सिखाना शुरू कर देता हूँ। तो कल ही बहुत बहुत जल्दी हम लोग अब मेंटल हेल्थ पे बात कर रहे हैं, और मैं एक मिनट और लगाना चाहूँगा इस पर स्पेसिफिकली। सो मेंटल हेल्थ हम सबकी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और अब हम नई एक सीरीज शुरू कर रहे हैं मेंटल हेल्थ के ऊपर, कि सीए स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं। सीए स्टूडेंट क्या, मुझे लगता है हर तरह का व्यक्ति यार आजकल स्ट्रेस में जी रहा है, तो स्ट्रेस से कैसे बाहर निकले, अब इसके ऊपर हम लोग बहुत सारा काम करने वाले हैं। तो उसमें मैं कुछ सीरीज तैयार कर रहा हूँ, कुछ वीडियोस तैयार कर रहा हूँ, कुछ लोगों से बातचीत कर रहा हूँ, तो वो जल्द ही अपने चैनल पे मैं अपलोड करूंगा, तो वो आपको जरूर देखने को मिलेंगे। ग्रेट ग्रेट सर, आई थिंक इट इज अ नीड ऑफ द आवर, स्पेशली जो 2020 अभी तक गुजरा है, आई थिंक नॉट जस्ट स्टूडेंट्स बट एवरीबॉडी एल्स विल बी एबल टू बेनिफिट फ्रॉम इट। राइट, सो थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दैट ऑल्सो। बट सर है तो 24 घंटे आपके पास भी और हमारे पास भी, लॉट ऑफ पीपल चाहे वो स्टूडेंट्स हो चाहे वो प्रोफेशनल्स हो, दे स्ट्रगल कि भाई हमारे पास टाइम नहीं है, दिन भर में बहुत ज्यादा बिजी है, वी आर नॉट एबल टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। हाउ डू यू मैनेज योर डे टू एंश्योर कि इतना सब जो आप कर रहे हो यू आर एबल टू डू इट कंसिस्टेंटली? मैं ऑनेस्टली बताऊं कि इसमें सबसे बड़ा हाथ पता है किसका है, इसमें सबसे बड़ा हाथ है टेक्नोलॉजी का। तो आई इन्वेस्ट हैविली इन टेक्नोलॉजी, और मुझे उससे लगता है कि मैं अपने से 3 गुना 4 गुना ज़्यादा काम कर पाता हूँ, मेरी एफिशिएंसी जो है वो 3x 4x पे चली जाती है, और वो ही चीज़ है जिसकी वजह से मैं बहुत सारे मल्टीपल चीज़ें जो है वो कर पा रहा हूँ। और साथ में टेक्नोलॉजी के बाद मुझे लगता है कि एक टीम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो मेरे साथ दो जो मेरे कोफाउंडर्स हैं उनकी बहुत ज़्यादा हेल्प रहती है, बहुत छोटी छोटी चीज़ों में भी और बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों में भी, और उसके बाद जो हमारी एक्सटेंडेड टीम है, मतलब जो हमारे एम्प्लॉइज़ हैं, बाकी टीम मेंबर्स हैं, उनकी बहुत ज़्यादा हेल्प रहती है। तो इन सबकी मदद से ही ये सारी चीज़ें जो है एग्जीक्यूट हो पाती हैं। ग्रेट ग्रेट, आई थिंक दैट इज अ बिग लर्निंग, जो टेक्नोलॉजी है वी हैव टू यूज इट टू आवर बेनिफिट, एंड आई थिंक देयर इज नो लिमिट्स कि कितना प्रोडक्टिव आप हो सकते हो इफ यू आर यूजिंग गुड टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, एंड इन्वेस्टमेंट उसमें करनी जरूर चाहिए। तो थैंक यू सो मच फॉर दैट इनसाइट। अभी बात करते हैं सर यूट्यूबर एंड टीचर नीरज अरोरा से, लेट्स नॉट बी हम्बल अबाउट इट, यू आर द मोस्ट पॉपुलर चार्टर्ड अकाउंटेंट ट्यूटर ऑन यूट्यूब और ऑन द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, हाउ डज दैट फील? अच्छा, मुझे पता नहीं था कि मैं ही हूँ भाई। देखिए, अच्छा वैसे मैं बता दूं कि मुझसे भी आगे हैं कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, हाँ वो सीए ट्यूटर नहीं है, सीए कोचिंग में मुझे लगता है कि मैं ये तो नहीं बोलता, क्योंकि लोग बोलते हैं ना कि वी आर नंबर वन, वी आर बेस्ट, मैं बोलूँगा सबसे ज़्यादा प्यार किसी को मिलता है तो वो मुझे मिलता है, और सबसे ज़्यादा नफरत भी मुझे मिलती है, बट मैं प्यार को काउंट करने वाला हूँ। और इसको देख के मुझे लगता है कि यार ये बहुत ज़्यादा बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब मेरे मुँह से निकला हुआ एक भी शब्द वो लाखों हज़ारों बच्चों के पास तक जाता है, और कभी कुछ गलत बोल देता हूँ तो शायद मुझे इतना गिल्ट हो जाता है, मैं एक्चुअली मैं उस दिन ढंग से काम नहीं कर पाता हूँ जब तक मैं उसे सुधार नहीं लेता हूँ, या जब तक मैं उसके लिए सॉरी नहीं बोल देता हूँ।
पता नहीं वो स्पाइडरमैन मूवी थी कौन सी मूवी थी, कि भाई जितनी ज्यादा आपके पास पावर आती है उतनी ज्यादा आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। तो वही हालात है, जितना ज्यादा मेरा ग्रोथ होता जा रहा है सोशल मीडिया पे, जितने ज्यादा लोग मेरे से टच में आते जा रहे हैं, मुझे लगता है मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी ही ज्यादा बढ़ती जा रही है। करेक्ट करेक्ट। तो मेरा अगला क्वेश्चन भी यही था नीरज सर की विद ग्रेट पावर्स कम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एंड इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ एक एक्सपेक्टेशन अटैच हो जाती है कि अरे यार कुछ भी हो रहा है तो फर्स्ट नीरज सर की यूट्यूब चैनल देखना, स्पेशली सीए फ्रेटर्निटी कम्युनिटी में व्हाट इज ही टेलिंग, व्हाट इज ही डूइंग, एंड इवन फ्रॉम एन इनोवेशन पॉइंट ऑफ व्यू कि नया कुछ लेके आएंगे नीरज सर, सो वी आर वेटिंग। सो ये जो एक्सपेक्टेशन है वो आपके लिए मोटिवेशन है या प्रेशर है? अगेन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और कभी कभी ये एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा भी बढ़ जाती है। बच्चे चाहते हैं, या बच्चे नहीं बोलूंगा मैं, कि हमारे कुछ साथी चाहते हैं कि हम गलत चीज़ों में भी सपोर्ट करें, सही चीज़ों में भी सपोर्ट करें। यहाँ मैं सबसे पहले एक बड़ा इंपॉर्टेंट लेसन मैं देना चाहूँगा कि ये जो चीज़ आ गई है, जो भगवान ने थोड़ी बहुत पॉपुलैरिटी दे दी और जिसकी वजह से बच्चे मुझे सुनते हैं, एक बात मैं सबको बताना चाहता हूँ, हम लोग ना साइड्स बहुत जल्दी बांट लेते हैं कि हम मोदी की साइड है, हम राहुल गांधी जी की साइड है पॉलिटिक्स साइड, या फिर हम सलमान खान की साइड है, या फिर हम किसी और की साइड है। हम लोग अपना फेवरेट्स चूज कर लेते हैं और फिर उनके लिए हम लोग तैयार रहते हैं लड़ने के लिए। बार बार मैं ये सिखाना चाहता हूँ, सलमान खान एक गुड एंटरटेनर है, उसकी मूवीज मतलब किसी किसी को लगता है, किसी को नहीं लगता, वो एक सब्जेक्टिव इशू है, बट उसकी मूवीज हिट जाती हैं। लेकिन अगर वो कुछ गलत करता है तो मैं उसे गलत बोलूंगा, अगर वो अच्छा एंटरटेन करता है तो मैं बोलूंगा वो अच्छा एंटरटेनर है। मोदी जी प्राइम मिनिस्टर है, इसका मतलब ये नहीं कि उनकी हर चीज के पीछे मैं बोलूंगा भाई यही जो है, या अरविंद केजरीवाल दिल्ली का सीएम है, उसकी हर चीज के लिए पीछे बोलूंगा कि भाई ये बिल्कुल सही है, नहीं। ये फेवरेटिज्म हमें हटाना पड़ेगा। इवन मैं अपने लिए भी बोलता हूँ कि अगर मैं कोई बात बोलता हूँ और वो गलत है तो मैं आई एम रेडी कि भाई मेरे को आप बोलो आके गलत है, मुझे गलत लगेगी, मैं हाथ जोड़ के सॉरी मांगता। तो ये चीज़ कि आप जिसको फॉलो कर रहे हो आग बंद करके फॉलो करो, आई डोंट थिंक कि ये काम करने वाला है। और इसी वजह से मैं क्यों बोल रहा हूँ, कोई भी इशू आता है तो बच्चा सीधा हमारे पास पहुँचता है या बाकी टीचर्स के पास भी पहुँचता है। मेरी पर्सनल हैबिट है कि मैं इशूज पर बोलता हूँ, खुल के सामने आता हूँ, बताता हूँ, डिप्लोमेटिक स्टैंड ना लेते हुए अपनी क्लियर स्टैंड बताता हूँ, चाहे उसमें बच्चे नाराज हो चाहे इंस्टीट्यूट नाराज हो, तो मैं उसमें कभी भी डरता नहीं, मैं बोल देता हूँ भाई जो मेरे दिल में होता है, जो मुझे सही लगता है। लेकिन हर चीज पे साथ देना भी, मुझे लगता है हर गलत चीज पे भी साथ दे देना वो भी गलत है। जस्ट फॉर द रिसेंट एग्जाम्पल सेक, अभी ये एग्जाम पोस्टपोनमेंट को लेकर ट्विटर पे हैशटैग चला, जी एग्जाम पोस्टपोन कर दो, पोस्टपोन कर दो। मैंने सिर्फ एक, अब लोगों को क्या लगा कि मैं इस फेवर में कि एग्जाम पोस्टपोन नहीं होने चाहिए, मैंने कहा जो भी होना चाहिए इंस्टीट्यूट को समय तो दो कुछ बोलने का, इंस्टीट्यूट नोटिफिकेशन निकालेगा तभी तो हम रिएक्ट करेंगे, लेकिन लोगों में संयम ही नहीं है। अब वो उसमें मेरे पीछे पड़ गए कि सर आप हमारा साथ क्यों नहीं दे रहे, क्योंकि आप सबसे बड़े यूट्यूबर हो, आप बहुत ज्यादा फेमस हो, आप हमारा साथ क्यों नहीं दे रहे हो। तो मैंने बोला मैं तुम्हारा साथ ही तो दे रहा हूँ, बस ये फर्क है कि भाई मैं वेट कर रहा हूँ, इंस्टीट्यूट नोटिफिकेशन निकालेगा मैं बोलूंगा, मैंने प्रेसिडेंट साहब को मेल लिखा, ये मतलब बहुत सारी चीजें करी। तो साथ देने का मतलब ये नहीं है कि भाई आप सिर्फ यूट्यूब पे आके बोलो या ट्विटर पे आप हैशटैग ट्रेंड करवा दो, साथ देना है। तो अब मैंने एक बहुत बड़ा आर्टिकल भी लिखा था, पता नहीं आपने आप उसे पढ़ पाए या नहीं पढ़ पाए। सो पॉइंट इज कि यस, लोग बात देखते हैं कि भाई हम लोग इन्वॉल्व हों, लेकिन मैं बहुत संयम सीखा है मैंने इन 4-5 सालों, और बहुत पेशेंस के साथ मैं मूव करता हूँ और देखता हूँ कि भाई ये सिचुएशन अभी कुछ रिएक्ट करने वाली है या नहीं, अभी सिर्फ बैठ के देखने वाली है कि जब इंस्टीट्यूट फाइनल कुछ बोलेगा उसके बाद हम कुछ बोलेंगे, राइट। बाकी बच्चों की एक्सपेक्टेशन होती है, जरूर होती है, और वो शायद मुझसे नहीं, वो हर टीचर को पोक करते हैं कि सर आप बोलो, आप बोल क्यों नहीं रहे हो, आपको बोलना पड़ेगा। और अगर नहीं बोलो तो बच्चे क्या बोलते हैं, सर सिर्फ पैसे कमाने के लिए आए हैं, सर सिर्फ मार्केटिंग करने के लिए आए हैं। भाई मैं मार्केटिंग पे तो एक खुला आपको एक बात बोलता हूँ, आप जिस भी जहां भी आपने सीए की कोचिंग ली है, आई कैन बेट आपको मैसेजेस आते होंगे कि भाई हमसे कोचिंग ले लो, फ्री डेमो चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है। हम कभी मैसेज नहीं करते, रेयरस्ट ऑफ रेयर केस में, और उसमें भी मैं नीचे सॉरी लिख के भेज देता हूँ कि आज मुझे मैसेज करना पड़ेगा। रेयरस्ट ऑफ रेयर केस में हमने कभी ऐसे मैसेज डाला होगा, किसी की प्राइवेसी को हर्ट किया होगा, रेयरस्ट ऑफ रेयर केस में हमने, पहली बात, हमने कभी किसी से नंबर्स नहीं खरीदे। आपको मैं प्रैक्टिसेस बताता हूँ ना, बढ़िया बढ़िया। तो मार्केटिंग हम लोग नहीं करते, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे, मेरे ट्विटर पे हैं, तो आपने चूज किया है मुझे। मैं अपने अगर मैं अपना कोर्स लॉन्च करता हूँ या मैं कुछ भी चीज लॉन्च करता हूँ, मैं अपने यूट्यूब पे वीडियो डालता हूँ कि ओके दिस इज कमिंग। और जिन बच्चों को लगता है भाई मैं बहुत सारे पैसे कमाता हूँ, तो हाँ कमाता हूँ, कोई दिक्कत की बात थोड़ी ना इसमें। मतलब आप अंबानी को बोल रहे हो अंबानी तू बहुत पैसे कमाते है, क्यों? आप दूसरों के पैसों से मत जलो, आप दूसरों के पैसे कमाने के स्किल से जलो कि उन्होंने वो स्किल सेट कैसे बनाया, उन्होंने वो चीज कैसे खड़ी करी। आप मेरी यूट्यूब की वीडियोस देखिएगा, मेरी यूट्यूब की वीडियोस मोनेटाइज नहीं है, मेरे मेन चैनल की वीडियोस, प्लीज उन पे एक बार ध्यान दीजिएगा। 99% वीडियो जो रिसेंटली पिछले 2 साल में हमने अपलोड करी है, कोई भी वीडियो मोनेटाइज नहीं है, कोई इक्का दुक्का रह गई हो या टीम ने करी हो तो करी हो। मैं अपना यूट्यूब का रेवेन्यू बताता हूँ आपको, जो लोग सोचते हैं मैं यूट्यूब से बहुत कमाता हूँ, 6,000 रुपए आए मुझे पिछले महीने यूट्यूब से, और मुझे लोग टोकते हैं, मैं आपको दिखा सकता हूँ बिल्कुल, $100। तो अब 75 का रेट हो गया तो 7500 लगा लो, बच्चे उसमें भी बोलेंगे कि 6,000 क्यों बोले बेटा, जीएसटी भी देना है उसमें, इनकम टैक्स भी देना है उसमें 42% का। सो
मैं ये बात बोलना चाहता हूँ कि ये जो स्टूडेंट्स है ना, बोलते हैं कि यूट्यूब से पैसा कमा रहे हैं। अरिंद, आपको भी पता है यूट्यूब क्या देता है, मैंने तो डिस्क्लोज कर दिया, आप मत करिएगा, क्योंकि मैं बता रहा हूँ ना, मैं यूट्यूब से कुछ नहीं कमाता हूँ। हम थोड़ा और टीचर की छवि कैसी बनी हुई है लोगों की आंखों में कि भाई टीचर के हाथ में कंधे पे होना चाहिए झोला और टीचर को पैसे कमाने का हक नहीं है, ये छवि बना रखी है टीचर की। तो ये जो है ना, और ये मैं आपको ये भी बता दूं कि 90% बच्चे सही हैं, 99% बच्चे सही हैं, 1% बच्चे अति दुखी आत्मा होते हैं, और एक में भी, उस एक का भी आप 90% निकाल देंगे, वो दुखी हैं, वो दुखी हैं, उनके पास में फ्रस्ट्रेशन है, वो कुछ बोल देते हैं, फिर उसके आसपास जो 1% बच जाता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ आपको हेट करने के लिए आए होते हैं, और वो भी एक्चुअली मैं हमेशा बोलता हूँ कि हेटर्स आर कंफ्यूज लवर्स, तो वो कंफ्यूज होते हैं कि इसको प्यार करें कि इसको नफरत करें, क्या करें। एंड मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी आप लोग, इवन आप भी, मैं भी, आपको भी शायद थोड़ी बहुत हेट मिलती होगी यूट्यूब पे या कहीं पे, जरूर कुछ ना कुछ नेगेटिव कमेंट्स आते होंगे। ये मैं आपको बता देता हूँ, कभी कभी आप इतने बड़े हो जाते हो, आप इतना ज्यादा ग्रो कर जाते हो कि लोगों के लिए कूल हो जाता है आपको हेट करना, तो वो ये दिखाने देगा तेरा भाई हेट करता है इसको, राइट। तो ये चीजें हैं, आई थिंक एक काफी लोगों के लिए एक सोर्स भी बन जाता है कि इफ आई एम हेटिंग हिम आई एम बिकमिंग पॉपुलर, वो भी तो होता है ना कि आई एम फीडिंग ऑफ समबडी एल्स। मैं आपको ऐसी बातें बताऊंगा ना, आप हैरान हो जाओगे सुन के क्या क्या होता है। मैं आजकल ट्विटर पे बहुत ज्यादा एक्टिव हूँ, ट्विटर पे बहुत ज्यादा वीडियोस डालता हूँ मैं, वहाँ पे भी अराउंड 60,000 के आसपास फॉलोअर्स हैं। तो ट्विटर पे जो मैं वीडियोस डालता हूँ, एक भाई ने वो वीडियो उठा के यूट्यूब पे डालनी शुरू कर दी, एक केस, फिर उसने उसी अपने चैनल पे वीडियो डाली, फिर उसने उसको लिंक्डइन पे डाला और वो लिंक्डइन पे जाके कह रहा है देखो ये नीरज अरोड़ा इंस्टीट्यूट के अगेंस्ट बोल रहा है। तो मतलब अपने चैनल को पॉपुलराइज करने के लिए मेरी वीडियो ट्विटर से डाउनलोड करके मुझे ही बदनाम कर रहा है। आप नेक्सस देख रहे हो क्या जबरदस्त बन रहा है, मैंने कॉपीराइट स्ट्राइक दे दिया उसको। तो एज सिंपल एज सिंपल एज दैट। तो ये लोग जो है ना, इनके साथ जो आपने बोला कि भाई जो पॉपुलर है उसको पकड़ लो, अब वो आपके बारे में बोलेगा तो आप भी पॉपुलर हो जाओगे। तो ये मैंने लाइफ में बहुत सीखा, खासकर मैं थोड़ा सा यूट्यूब कम्युनिटी में इन्वॉल्व रहता हूँ, तो पता नहीं आप रैप कम्युनिटी से कितना जुड़े हुए हो। एमिवे वर्सेस रफ्तार, तो रफ्तार वाज अ वेरी बिग नेम, एमिवे रैपर है, उस समय उसको कोई लोग जानते नहीं थे, और इन दोनों के बीच में बीफ हो गई, लड़ाई हो गई इन दोनों की। रफ्तार ने एमिवे का करियर बना दिया उस लड़ाई से, रफ्तार ने एमिवे का करियर बना दिया। एमिवे को उस समय बहुत कम लोग जानते थे, उसका अपना फैन बेस था, लेकिन उस एक पर्टिकुलर लड़ाई के बाद रफ्तार के जो सब्सक्राइबर्स हैं वो 10 मिलियन 11 मिलियन के आसपास हो गए होंगे, उसकी वीडियोस पे बहुत सारे व्यूज आने लग गए, 100-100 मिलियन व्यूज आने लग गए, और रफ्तार का चैनल उतना नहीं चल पाया, जबकि दोनों ही बहुत अच्छे रैपर हैं। बट आप ये देख रहे हैं ना कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आप दूसरे को मतलब समझाने जाते हो या कुछ बोलने जाते हो, वो आपसे हिट हो जाता है, वो आपके कंधों पे बैठ के आगे बढ़ जाता है। सो मैं ऐसी अपॉर्चुनिटी किसी को नहीं देने वाला हूं, मैं सीख गया। But I think these are the side effects or perils of becoming popular. Yeah, I mean not a YouTuber, but सबके साथ होता है कि आपके कमेंट का पहला वेट रहता है, एंड इफ यू आर वांटिंग टू बी पेशेंट कि नहीं भाई लेट मी असेस एंड मेक अ राइट डिसीजन, चाहे वो इंस्टीट्यूट के बारे में चाहे किसी के भी बारे में, मेक अ डिसीजन व्हिच विल एटलीस्ट बी एजुकेटेड डिसीजन, वो लोग टाइम नहीं देते। बट मेंटली तो आपको भी इफेक्ट करता ही होगा सर, ऑल दीज हेट कमेंट्स, एंड मी बीइंग सच अ स्मॉल यूट्यूबर, मुझे भी बहुत हेट कमेंट्स आते हैं, तो आपको तो शायद इनटू 10 टाइम्स आते होंगे। व्हाट इज दैट वन थिंग व्हिच अलाउज यू टू कीप योर फोकस एंड गेट अवे फ्रॉम ऑल द नेगेटिविटी? मैं आपको बताता हूँ, तो सबसे पहले हेट कमेंट्स मुझे आते हैं, बिल्कुल आते हैं, और ऑब्वियसली आपसे 10 times ज़्यादा आते हैं, लेकिन मेरे साथ होता है खास बात क्या है कि मुझे ना प्यार वाले कमेंट्स बहुत ज़्यादा आते हैं, सो वो इतना ऑफसेट कर देते हैं उस हेट को कि मैं खुश हो जाता हूँ। और मज़े की बात मैंने फील किया है कि अब ना मुझे ना हैबिट भी हो गई है, और ये जो बात आप मुझसे बोल रहे हैं ना, मैं बोलता हूँ कि ये बात प्रियंका चोपड़ा ने बोली थी, उनको भी जब हेट कमेंट आते हैं तो उनको अभी भी फील होता है, मतलब एक भी हेट कमेंट आ जाता है इतनी बड़ी हस्ती को, और उनको कितने हेट कमेंट्स आते होंगे आप समझ सकते हैं, तो उनको अभी भी वो पिंच होती है बात, और शायद वो रात को सोते समय उस बारे में सोचती हैं, और उनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। तो डेफिनेटली मुझे भी प्रॉब्लम होती है, लेकिन अब मैंने इसका 2-3 उपाय सोच लिए हैं। सबसे पहला उपाय है ओम इग्नोराय नमः, इग्नोर करा जाए इनको बिल्कुल। दूसरा उपाय हमने बना रखा है नमस्ते, और तीसरा उपाय कोई मान ही नहीं रहा, मैं ब्लॉक कर देता हूँ। बहुत सिंपल सा उपाय है जी, ब्लॉक कर दो। अब इसमें भी कई लोगों को अति दुखी आत्माओं को दिक्कत है, सर ब्लॉक क्यों किया? भाई मेरे घर में आके कोई गंदगी फैलाएगा मैं झाड़ू मारूंगा, आप मेरे YouTube चैनल पे आके ट्विटर पे आके कुछ भी गलत लिखोगे मेरे बारे में, नहीं किसी के बारे में भी, आप किसी टीचर को गाली दोगे, आप किसी टीचर के बारे में गलत बोलोगे, आप टीचर छोड़ो किसी सेंट्रल काउंसिल मेंबर के बारे में गलत बोलोगे, भाई मैं ब्लॉक करूंगा, एज सिंपल एज दैट। मुझे गंदगी डालनी नहीं अपने दिमाग में, हमने सर यहाँ फिल्टर लगा दिया, दैट्स इट। एब्सोल्युटली हाँ, आई थिंक 10 views 100 views कम भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट द करेक्ट शुड प्रिवेल, एंड वो गंदगी के चक्कर में जो अच्छी चीजें हैं वो भी ना खराब हो जाए। आई थिंक दैट इज एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट लेसन फॉर एवरीबडी, नॉट ओनली अ यूट्यूबर बट इन जनरल इन लाइफ, कि
एक नेगेटिविटी पे 100 पॉजिटिविटीज भी होती है, सो लेट्स लुक एट द पॉजिटिविटी एंड ब्लॉक द नेगेटिविटी। सर अभी मैं बात करना चाहूंगा प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट नीरज अरोरा सर से। सर क्या आपने कभी अरे क्यों सर भाई मेरे ऊपर इंस्टीट्यूट का एक केस चल रहा है डिसिप्लिनरी कमेटी का, और एज अ मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं नहीं चाहता कि मेरे नाम के आगे कोई सीए लगाए। ऑल्दो अभी कोई डिसीजन नहीं आया मेरे अगेंस्ट या इंस्टीट्यूट ने मना नहीं किया है, बट मुझे ऐसा लगता है कि जब तक वो केस खत्म ना हो जाए, जब तक मेरी पनिशमेंट पूरी ना हो जाए जो भी वो मुझे देने वाले हैं फ्यूचर में, तब तक भाई मैं कोशिश करता हूँ मैं अपने नाम के आगे सीए ना लगाऊं, और फ्यूचर में भी डिसीजन आने के बाद भी आई विल जस्ट थिंक ओवर इट कि क्या करना है। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट नीरज अरोरा था, अब वो नहीं है, एटलीस्ट इस फेज में वो नहीं है, और सीए प्रोफेशन से मेरा पूरा प्यार है। समटाइम्स आई फील लाइक चक दे इंडिया का शाहरुख खान, सो वो कबीर खान वाली जो है हालत अपनी कर दी गई है। अभी तो समझ लो कि घर के बाहर लिखा हुआ है गद्दार, तो अभी उसको मिटाएंगे, अभी उसको मिटाएंगे और फिर कुछ अच्छा करेंगे। बाकी ठीक है, ये मैं इसको ऐसे मानता हूँ कि यार मैंने बहुत, मतलब मुझसे कोई पूछे क्या आपने सही काम किया था, तो हाँ जी हमने बिल्कुल सही काम किया था, और जिस भी बात के लिए नोटिस आया वो ठीक है, नोटिस मतलब ये सब चीजें आती रहेंगी। और इससे अगर डर गए, हम सब चाहते हैं कि भाई रेवोल्यूशनरी हो लेकिन हमारे घर में ना हो, पड़ोसी के घर में, बस हमने चाह भाई हमारे घर में हो, हमने कुछ था। और जो भी ये लोग बाग, एक बात और भी बोलते हैं अरिहंत के आपने ये सब पॉपुलैरिटी के लिए किया, उल्टा है, हम पॉपुलर थे इसलिए किया, मतलब हमें लोग जानते थे, हमने इसलिए किया, हम इसलिए कर पाए, पॉपुलैरिटी के लिए कुछ नहीं किया भाई, इससे तो नुकसान हुआ है, हमने दुश्मन पाल लिए इससे, मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट से दुश्मनी ले ली, सीसीएम से दुश्मनी ले ली, नोटिसेस आ गए, कहीं बच्चे नाराज हो गए, कहीं यूट्यूबर नाराज हो गए, कहीं टीचर्स नाराज हो गए, तो इसमें हमारी पॉपुलैरिटी कहाँ से बढ़ी भाई। और जिसको लगता है पॉपुलैरिटी बढ़ी, भाई हम पॉपुलर थे इसलिए हम ये कर पाए, अगर हम पॉपुलर ना होते तो नहीं कर पाते, बहुत सिंपल सी बात है। और जब आप अगेन पॉपुलर हो, आप पे लोगों का विश्वास है और आपको दिख रहा है कुछ गलत हो रहा है और आप स्टैंड नहीं ले रहे, तो आपकी वो पॉपुलैरिटी किसी काम की नहीं है, किसी भी काम की नहीं है। अब आप फिर आपको नहीं कहने का हक कि भाई आप फ्रेटर्निटी के मेंबर हो। और एक बार नहीं, मेरे ऊपर 4 बार नोटिस आए, 10 बार नोटिस आए, अगर मुझे लगता है भाई मैं सही हूं, अगर मुझे लगता है वो जो बच्चा पास हुआ मृदुल अरोड़ा और उसके साथ जितने बच्चे पास हुए, आप उन बच्चों से जाके पूछो मैं सही हूं कि गलत हूं, तो शायद वो आपको सही बता पाएंगे। आप उन बच्चों से जाके पूछो उनके घर में उस दिन क्या खुशियां मनाई गई होंगी, दिवाली के आसपास उस बच्चे का रिजल्ट आया था, यानी कि अगस्त में उसका रिजल्ट आया, वो फेल हो गया, उसके बाद हमने जब पूरी वो सितंबर में पूरा रिफॉर्म किया, जो भी किया, प्रोटेस्ट किया, उसके बाद जाके उसका रिजल्ट अक्टूबर में आया, उसी का नहीं, उसके साथ बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट आया जो सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए। एक ग्रुप निकलता मैं बोलता कि चल यार एक ही ग्रुप निकला है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए। तो मैं तो कहता हूं भाई हम तो उनके लिए लड़े थे। और एक बात और भी अरिहंत, मैं इसको थोड़ा सा और आगे ले जा रहा हूँ, ये क्वेश्चन मुझसे कई बार पूछा जाता है, मैं आपकी वीडियो में एड्रेस कर रहा हूँ, इससे आपकी टीआरपी बहुत बढ़ने वाली है, राइट तो बच्चे पूछते 39-4 का क्या हुआ, 39-4 का क्या हुआ कि भाई आपने तो बोला था 39-4 अमेंड होगा, 39-4 अमेंड होगा। हमारे यहाँ ना हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान में, और हिंदुस्तान के नहीं पूरे वर्ल्ड में एक प्रॉब्लम है, पूरे वर्ल्ड में बोल रहा हूँ, पहले मैं सोचता था ये सिर्फ हिंदुस्तान में, लेकिन जैसे जैसे मैं चीजों को स्टडी कर रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ, बाहर के लोगों से बात कर रहा हूँ, ये हर जगह पे। हम लोग लॉ में पढ़ते हैं जी, एक होता है हमारा रूल ऑफ लिटरल इंटरप्रिटेशन, कि हमने लॉ को जैसा लिखा वैसा पढ़ लिया, फिर एक होता है जी मिस्चीफ रूल होता है हमारा, फिर हमारे पास होता है ना कि भाई एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या थी, वो दबी के नहीं दबी। तो 39-4 की प्रॉब्लम ये थी कि एक बार आपका पेपर चेक हो गया तो अब आपको उस पर दोबारा से इवेल्युएट नहीं किया जाएगा, दिस वॉज द प्रॉब्लम, दिस वॉज द फाइट, कि बच्चे को एक बार मार्क्स दे दिए तो भाई उसको दोबारा नहीं कर जाएंगे। जो कमेटी ने सजेशन दिए, जब वो अप्लाई हो जाएंगे और जल्दी ही होंगे वो अप्लाई, तो उन्होंने बोल दिया ना कि अगर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आपको पॉइंट्स के लिए या फिर आपका आंसर सही और आपको नंबर नहीं मिले, हम मानेंगे वो चेक ही नहीं हुआ, यानी वो 39-4 उस पे हिट ही नहीं हो रहा, गेटिंग अ पॉइंट, 39-4 उस पे हिट ही नहीं हो रहा, यानी वो 39-4 में गया ही नहीं। इसका इन्होंने एक तरीके से, जिसे हम बोलते हैं ना काव आउट, वो बना दिया, एक्सेप्शन बना दी विदाउट अमेंडिंग 39-4, जितने भी चीजें थी, ग्लेरिंग एरर वाली चीज थी एक, दूसरी चीज थी कि भाई आपने बिल्कुल सही लिखा है और इंस्टीट्यूट ने गलत कर दिया, जैसे कि एमसीक्यू केस में मृदुल के केस में हुआ था, तो इंस्टीट्यूट ने बोल तो दिया कि सर हम कर देंगे इसको, हम उसे चेक भी नहीं मानेंगे तो रीचेकिंग की नौबत ही नहीं आई, जब चेक भी नहीं है तो वो दोबारा चेक होगा, वो रीचेक नहीं होगा, वो चेक होगा। तो ये बात बच्चों को समझ नहीं आती। और मैं आपको बता दूं उस प्रोटेस्ट से क्या हुआ था, बाई चांस अगर किसी को डाउट है तो देखो, मैं ये मानता हूं, मैं भगत सिंह जी का बहुत बड़ा फॉलोअर हूं और मैं उनसे बराबरी नहीं कर रहा, मैं उनके चरणों के धूल के जो सबसे छोटा कण है उसका भी हजारवां हिस्सा भी नहीं हूं मैं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि वो पार्लियामेंट में बॉम्ब इसलिए नहीं फोड़ने गए थे कि किसी को मारना था, वो पार्लियामेंट में बॉम्ब इसलिए फोड़ने गए थे कि सुनाना था कि भाई हमें प्रॉब्लम हो रही है। और हम लोग वहां पीपल के पेड़ के नीचे इसलिए नहीं बैठे थे कि हमने इंस्टीट्यूट की इज्जत गिरानी थी या हमने कुछ करना था, हम भी इसलिए गए थे कि आपको सुनाना है कि गलत हो रहा है,
और ये गलत आप करते रहोगे तो अब ये सहा नहीं जाएगा। और ओवरऑल रिस्पॉन्स अगर आप देखें तो इसका आप देखिएगा आने वाले 5 साल में कितना फल मिलेगा। मैं आपको और बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस बता सकता हूं, जो लोग बोलते हैं सोशल मीडिया से कुछ नहीं होता, प्रोटेस्ट से कुछ नहीं होता। आप मेरी दिसंबर 2018 की वीडियो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दिसंबर 2018 की वीडियो आप देखेंगे, शायद मैंने एक लाइव स्ट्रीम किया था जिसमें मैंने बोला था कि इंस्टीट्यूट को एमसीक्यूज लेके आने चाहिए। दिसंबर 2018 था या पता नहीं जून 2017, दिसंबर 2017 था, दिसंबर का मंथ था, या तो 2017 या 2018 की वीडियो थी वो, दिसंबर मंथ की। और उसके 6 महीने बाद इंस्टीट्यूट अनाउंस करता है कि भाई आपके इंटरमीडिएट लेवल और फाइनल लेवल पे हम लोग 4-4 पेपर में 30-30% एमसीक्यू लेके आ रहे हैं। तो right, क्या बात कर रहे हो, इंस्टीट्यूट सुनता है साहब, सुनाने वाले लोग चाहिए, अपनी बात रखने वाले लोग चाहिए। आपने जो बोला चार्टर्ड अकाउंटेंट नीरज अरोड़ा, भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट नीरज अरोड़ा अब एग्जिस्ट नहीं करता, अब सिर्फ एक टीचर नीरज अरोड़ा एग्जिस्ट करता है।